वेलकम किया, आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियाम्बल जो है ना, प्रियाम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियाम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो ये सब चीजें। इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक MIM पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्हें भी पिटिशनर हैं, हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने। तो ये चीज है, बने हुए नियम किस लिए होंगे? आप सिर्फ मुझे ही कह रहे हैं हिजाब मत पहनो, कौन से नियम? और अगर आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से, हम यही तो कह रहे हैं, आप पहले तो आप आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती आप रिलीजन के नाम पर। और यूनिफॉर्म में पहनूंगा तो क्या जात नहीं मालूम होगी, कास्ट नहीं मालूम होगी, गरीब अमीर का बेटा या बेटी है नहीं मालूम होगा? और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे, तो दूसरों का एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ करेंगे, मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे आप? क्यों नहीं अलाउ करेंगे? मेरे लिए एसेंशियल है वो, और मेरी, आप ये कह रहे हैं कि या तो तुम पढ़ो या तुम हिजाब छोड़ो। अरे भैया, कैसे होगा? संविधान में मुझे इजाजत है कि मैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के तहत अपना हिजाब भी पहनूं और शिक्षा भी हासिल करूं, इससे देश मजबूत होगा। बकवास है, झूठ बोल रहे हैं। भारत में 3 स्टेट्स हैं, तेलंगाना, कर्नाटका और एक स्टेट है, जहां पर मुस्लिम बच्चियां हिंदू बेटियों के बराबर स्कूल में पढ़ रही हैं। क्या बकवास बात कर रहे हैं? उससे क्या हासिल होगा? मॉडर्निटी की निशानी यह है कि हिजाब ना पहने, मॉडर्निटी की निशान यह है कि हम सब चीज अपने रिलीजन के प्रैक्टिस छोड़ दें, ये मॉडर्निटी ये नहीं है, हम इसको नहीं मानते इन चीजों को। भाई, संविधान के तहत मुझे अपने कल्चर को, अपने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को, एक्सप्रेशन को लेकर चलने की इजाजत है, और वो लड़कियां तो पढ़ना चाह रही हैं। अच्छा, आखिरी बात, मेरे हिजाब पहनने से किस तकलीफ क्या हो रही है? भाई, मैं क्या रोड पे धरना दे रहा हूँ, ट्रैफिक रोक रहा हूँ? भाई, हिजाब, सर पे हिजाब पहन रही मेरी बेटी, उससे आपको हार्म क्या हो रहा है? इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, वो तय करेगा। नहीं तो अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपील होगी।